ग्रहों के राजा सूर्य देव जो हर महीने राशि बदलते हैं और अब आने वाली 16 तारीख को 16 सितंबर को उनका राशि परिवर्तन उनके मित्र राशि बुध की राशि कन्या राशि में होने वाला है और ये राशि परिवर्तन अगले 30 दिनों तक किस तरह के प्रभाव कुंभ राशि के लोगों को देगा चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, सारे जो ग्रह हैं, नव ग्रह हैं और सबकी एक गति है कि अपनी समय सीमा पर वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। यहां बात कर रहे हैं सूर्य देव की, और सूर्य देव को आप कह सकते हैं कि गतिशील ग्रह है, यानी कि हर 30 दिन में ये राशि बदलते हैं। इस तरह से हर एक महीने में एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और इस तरह से सभी 12 राशियों में एक वर्ष में ये पूरा चक्कर लगा लेते हैं। अब एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति बोलते हैं। इस बार अभी तक जो सूर्य देव थे वो अपनी राशि, सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह राशि, सिंह राशि में विराजमान थे, लेकिन 16 सितंबर को ये अपने मित्र की राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, मित्र की राशि है, कन्या राशि है, लेकिन यहां ये थोड़ा सा बल से कमजोर हो जाते हैं बुध की राशि में, लेकिन ऐसा नहीं कि कमजोर हो गए तो रिजल्ट नहीं देंगे। सूर्य को अगर आप देखें अपनी कुंडली में तो एक ऐसा प्लैनेट है सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक कहा जाता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसके कारक सूर्य देव है, पिता के कारक हैं सूर्य देव, आपको मान सम्मान इसके कारक सूर्य देव हैं, राजनीति और सरकारी नौकरी इसके कारक भी सूर्य देव हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो सरकारी नौकरी के बहुत चांसेस, सरकारी योजनाओं से लाभ और सरकार से लाभ का योग बन जाता है। अब यही सूर्य कुंभ राशि के लोगों के लिए आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम भाव गुप्त भाव कहा जाता है, रहस्यमयी भाव। अब जहां रहस्य छुपा हो वहां पता कैसे करें, क्या रहस्य है, क्या चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि ये तो गुप्त भाव है जहां आपके सूर्य देव गोचर करने वाले हैं। सप्तम के स्वामी हैं ये, आपके सप्तमेश हैं, सप्तम के स्वामी। अभी तक क्या था, शनि और सूर्य आमने सामने थे, शनि यहां बैठे हैं और सूर्य यहां थे, तो शनि का सम सप्तक योग बना हुआ था शनि और सूर्य का, यानी एक दूसरे को दोनों देख रहे थे। इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी थे। अब ये जो सम सप्तक योग था ये टूट गया, 16 सितंबर से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सप्तमेश अष्टमेश में यानी कि अष्टम भाव में आ जाएगा। अब यहां अष्टम में आने पर पहले से यहां केतु विराजमान है और शुक्र विराजमान है, शुक्र आपके योग कारक ग्रह है और केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठता है, जब सूर्य के साथ बैठता है, केतु बैठे या फिर राहु बैठे, तो वो ग्रहण योग भी बनाता है। अब एक तो यहां सूर्य के गोचर से त्रिग्रह योग बना, सूर्य केतु और शुक्र, दूसरा शुक्रादित्य योग भी बना और अष्टम भाव में प्रवेश किया है। अष्टम भाव मैंने कहा गुप्त चीजों का भाव है। अब अगर आप देखें तो ये क्या करेगा, केतु अध्यात्म से जुड़ा है, केतु आपके आध्यात्मिकता को दिखाता है, अध्यात्म की राह पे लेकर जाता है। और हाँ, अष्टम भाव जो ऑकल्ट साइंस सीखते हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान जिनके अंदर सीखने की होती है, उनके लिए अष्टम भाव जो केतु है उनका बड़ा अच्छा महत्व देखने को मिलता है जब केतु अष्टम में होते हैं। तो ये गोचर एक तो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अधिक सक्रिय करेगा आध्यात्मिक तौर पर आपको। ये आपके जो लोग साधना करना चाहते हैं, जो बड़ा आध्यात्मिक तौर पर रमे हुए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ साधु संत ही अध्यात्म से जुड़े होते हैं, पारिवारिक जीवन में जो व्यक्ति हैं वो भी बड़े समर्पित होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, उनको अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि केतु उस चीज के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए और सूर्य साथ में शुक्र, इनकी युति आपके लिए बड़ी अच्छी होने वाली है। हालांकि शुक्र का गोचर यहां से हो जाएगा 18 सितंबर को, शुक्र यहां से आपके नवम में चले जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे, तो बड़ी अच्छी स्थिति, या सूर्य और केतु का ही विराजमान होना होगा, तो केतु और सूर्य साथ होंगे तो ग्रहण योग भी बनेगा। एक तो हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं क्योंकि केतु सूर्य के साथ अष्टम में बैठे हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखें इस अवधि में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो उसको इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे तो चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आप समय रहते उस चीज का क्योर ढूंढ लेंगे तो वो चीजें आपके लिए, आपने पहली सावधानी रखनी तो वो आकर छू कर निकल जाएगी। तो ये सावधानी बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए जब भी कुछ दिक्कत हो तो चिकित्सक के पास जरूर जाएं और सही समय पर सही इलाज करें। ये तो एक सावधानी हो गई। बाकी जो इस राशि के जातक जिनका कुछ ऐसे काम थे, पेंडिंग काम पड़े हुए थे, उनको वो पूरा कर पाएंगे। आपके लिए इस समय इस चीज के लिए अच्छा होगा कि आपके अंदर जो एक प्रतिभा छुपी हुई है इस राशि के जातकों के अंदर, उस प्रतिभा को बाहर निकालने का मौका आपको मिलेगा और उसी प्रतिभा के तौर पर आप गर्व की अनुभूति कर पाएंगे। छिपी हुई प्रतिभा जो आपका टैलेंट है उसको आप बाहर निकाल पाएंगे। शुक्र भी यहां मौजूद है। देखिए छिपी हुई यानी कि ये क्या है, छिपा हुआ, गुप्त, रहस्यमयी है। तो जो आपके अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा है ना, उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी उस कला को बाहर निकालें, उस पर काम करना शुरू करें और उसके जरिए फेम पाएं। क्योंकि फेम के स्वामी, फेम के कारक कौन है, सूर्यदेव है। फेम दिलाने वाले, प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन है, सूर्यदेव है। तो उन चीजों के लिए आपको फेम प्राप्त हो सकता है और कौन नहीं चाहेगा। तो उस चीज पर काम करना शुरू करें। नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव चीजों को लेकर चले, नेगेटिव का उपाय करते चले तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाती हैं। सीधी दृष्टि अष्टम से सूर्यदेव की दूसरे घर पर होगी जहां राहु विराजमान है और साथ में केतु भी है। तो देखिए राहु, मैंने राहु के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट है, राहु को रोकने वाला सिर्फ केतु होता है। हालांकि सूर्य यहां ग्रहण लगा रहे हैं तो मैंने कहा हेल्थ इश्यू होंगे आपको, तो हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यू है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। राजनीति की जो फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छा समय होगा, आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। अब सप्तम भाव के स्वामी है सूर्यदेव। सप्तम भाव कौन सा है, पार्टनरशिप का, आपके वैवाहिक जीवन का, आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का है। अब सप्तम का स्वामी अष्टम में गया है तो थोड़ा सावधानी रखें, आपके पार्टनर के साथ बातचीत करने में थोड़ा संयम रखें, अच्छे से पेश आए। अपनी बातों में अगर आप संयम से बात करेंगे, धैर्य से बात करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। जहां आपने उग्रता दिखाई वहां चीजें बिगड़ जाएंगी, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अपने जो आपका जीवन साथी है, आपका पार्टनर है, उसकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी गुप्त चीजें, बदलाव, ये अष्टम भाव बदलाव का भी, बदलाव जरूर होने वाले हैं। बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और अच्छे और बड़े भी बदलाव होंगे, और अगर सावधानी रखी तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सही डिसीजन सही समय पर लेना है। किसी भी तरह की ऐसी प्रतिक्रियाओं से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से हो गया जैसे, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। कोई भी कहां कानूनी विवाद चल रहा है, कानूनी चीजें चल रही हैं, ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। सिर्फ ये सावधानी रखनी है, बाकी अगर आप इन चीजों को रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास जॉब है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां सावधानी पूर्वक निवेश कर रहे हैं, तो भी पैसा लगा रहे हैं, तो भी किसी को पैसा दे रहे हैं, तब भी। और हाँ, अचानक से चीजें बदलेंगी, अचानक से धन भी आएगा, अचानक से चीजों का बदलाव भी होगा। और साथ में इस समय अवधि में सूर्यदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए इन दिनों में जब ये सूर्य आपके अष्टम भाव में होंगे तो सूर्य ग्रहण भी आएगा, क्योंकि अगले आने वाले एक महीने में दो ग्रहण आने वाले हैं 18 सितंबर से, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भी इसी दौरान आएगा और आपके अष्टम में आएगा। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है, बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। ऐसा नहीं नेगेटिव हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है, नहीं। सूर्य का उपाय करें, सूर्यदेव को प्रतिदिन जल दें और ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जब करते हुए आप प्रतिदिन एक महीने सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें तो चीजें ठीक रहेंगी। और हाँ, धन जरूर आएगा, काम भी आपके बनेंगे, काम भी बनेंगे, थोड़ा डिले जरूर हो सकता है लेकिन काम बनेंगे, उनसे आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। बस हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो भी इस राशि के जातक किसी अकल्ट साइंस से गुप्त चीजें सीखने का मन में आपके रह सकता है कि गुप्त चीजें आप सीखना चाहें, बड़ा एकदम से प्रतिक्रिया हो सकती है, एकदम से बदलाव मन में आए कि क्यों ना मैं ये सीखूं, वास्तु सीखूं, ज्योतिष सीखूं, न्यूमरोलॉजी सीखूं, इस तरह की चीजें सीखने की तरफ आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है।
कुछ रहस्यमय चीजों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है क्योंकि केतु भी यहां विराजमान है। तो चीजें जो है बेहतर रहेंगी और उपाय है वो जरूर करने हैं एक महीने तक। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो अपना काम करेंगे ही, जो समय समय पर मैं आपको बताती रहती हूँ, पीछे आने वाली वीडियोस में भी मैंने बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।